नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100 और पहुंचे हैं हम विष्णु कॉलोनी में, जहां पर की बीती रात देर रात एक मामला आया था। दो बच्चे जाते हैं जिम के लिए और उनके ऊपर देख सकते हैं कुछ लोग हमला कर देते हैं, बाइक रोड पर बाइक खड़ी करके, और उनके साथ वो इतनी भलाई भी करते हैं कि उनको बस अड्डे तक छोड़ के आते हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ में झगड़ा हो जाता है। देख सकते हैं परिजन मौजूद है उनके, उनकी मम्मी मौजूद है, हम बात करेंगे उनसे। जी नमस्कार। नमस्ते, क्या नाम है जी आपका? मेरा ममता। क्या बात हुई आपके बच्चों के साथ में, थोड़ा सा बताएं। मेरा लड़का जिम जाता है। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे का नितिन कुमार है। अच्छा। और जो उसके साथ गया था वो राजेश कुमार है। राजेश कुमार वो हमारे पे किराए पे रहता है। अच्छा। और वो लड़के दोनों जिम गए थे, जिम के वापस होने पे उनका दोस्त मिला और दोस्त ने बोला मेरे को बस अड्डे छोड़ देना। वो उसको बस अड्डे छोड़ने जा रहे थे, रास्ते में ही तीन चार लड़के स्कूटी लेके खड़े थे। उन्होंने बोला रास्ते से हट जाओ हॉर्न बजा के, लेकिन वो नहीं हटे। तो उन्होंने दो तीन बार हॉर्न बजाया, नहीं हटे। फिर सामने वाले लड़कों ने उतरा और उसने उस लड़के पे हमला किया। जो मेरे लड़का पीछे बैठा था वो आगे बैठा था। पहले कोई लड़ाई थी नितिन की और राजेश की? उन लड़कों नहीं, नहीं कोई लड़ाई नहीं थी। अच्छा, कोई नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं, मतलब सिर्फ हॉर्न बजाने के उस पे। कितनी उम्र है नितिन और राजेश? नितिन की 18 साल है, राजेश की 24-25 साल है। 24-25 साथ ही जाते थे जिम में, जाते थे सुभाष कॉलोनी। सुभाष कॉलोनी। हाँ जी। झगड़ा कहाँ पर हुआ था? झगड़ा हुआ किसान भवन के दौरे शौचालय के वहाँ, किसान भवन के पास। हाँ 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 जी, विष्णु कॉलोनी में ही शौचालय के पास। पहले में से कोई रंजिश थी? नहीं, ये मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, ना वो लड़का घर से बाहर जाता है ना मेरा लड़का घर से बाहर जाता है। सिर्फ जिम जाना और आना रात को। अच्छा। और सुबह वो लड़का भी ड्यूटी चला जाता है, रात को 8 बजे आता है, मेरा लड़का भी 8 बजे आता है क्योंकि वो कॉलेज जाता है। ठीक है जी, ऐसी कोई बात नहीं थी, सिर्फ वो रास्ते घेर के खड़े थे, उन्होंने हॉर्न बजाया, इतने में ही सामने वाला आया और उसने उस पे हाथ उठाया तो उसने भी उस पे हाथ उठाया। उसके बाद में झगड़ा हुआ थोड़ा सा उनके बीच में, हाथापाई हुई। हाथापाई के बाद में मेरा बच्चा भी अलग भग गया और वो लड़का भी, किराएदार भी अलग भग गया। लेकिन उन्होंने बाइक से उसका पीछा किया, जेसीबी पे उसको मारा है, बिल्कुल इतना मारा है, नुकीली चीजों से मारा है, डंडों से मारा है, और उसकी टांग कतई फ्रैक्चर कर गई है, दो जगह से हड्डी, राजेश कुमार की। और मेरा लड़का जो नितिन कुमार है उसकी टांग का फ्रैक्चर कर दिया है, उसके यहाँ नुकीली चीज कंधे पे है, गर्दन पे है, और बाकी लठियान की तो दोनों की अनगिनत है। कौन लोग थे जिन्होंने मारा, जानते आप? कुछ नहीं जानते, ना मेरे बच्चे जानते ना हम जानते। अच्छा। हम नहीं जानते। ज्यादा चोट आई है? बहुत ज्यादा, दोनों ही सिरे। वो तो जिस पे ज्यादा चोट आई, जो मिला था जेसीबी पे, उसको तो इतनी चोट आई है, वो 4 दिन में तो आईसीयू से निकला है। अच्छा। हाँ जी। और जो मेरा लड़का है उसे भी मतलब ना तो कमर से उठा जा रहा ना बैठा जा रहा, इतनी हालत खराब है, प्लास्टर चढ़े पड़े हैं दोनों। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट की है इसको लेकर? करी है जी। सीसीटीवी कुछ नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं था, सीटीवी मतलब कैमरा वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ। अच्छा, कुछ भी नहीं लगा। रात के 9:30 बजे की बात है, 19 तारीख। तो अभी पुलिस से क्या आश्वासन मिला? अब वो कह रहे हैं जी कर रहे हैं, हम मतलब छानबीन निकाल रहे हैं। अच्छा। अब वो देखो जी छानबीन निकालेंगे, अभी तो हमें पहले अपने बच्चे दिखाने हैं। तो बच्चे आपके अभी हॉस्पिटल में ही हैं? हाँ जी, बच्चे हॉस्पिटल में हैं। और हॉस्पिटल में फ्रैक्चर भी आया जी, चोट इतनी मारी है डंडों से, मतलब बच्चे काबिल छोड़े ही नहीं। तो अब आप क्या चाहते हैं जी इसके केस को लेकर? चाहते हैं जी जिन्होंने हमारे बच्चों के साथ में ऐसा हुआ है उनको सजा तो मिलनी ही चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। तो आपका शुभ नाम क्या है वैसे? मेरा नाम ममता रानी है, मेरे हस्बैंड का नाम अशोक कुमार है, और जो लड़का था मतलब हमारा किराएदार, उसका राजेश कुमार है, उसके पापा का नाम टीकाराम है। आपके यहाँ किराए पर रहता था? किराए पर रहता है वो 20 साल से। हाँ जी, मतलब राजेश किराए पर रहता था। हाँ जी। आपका मकान है? हाँ। अच्छा अच्छा। तो मतलब पहले कोई ऐसा झगड़ा नहीं था कि? कुछ नहीं जी, बच्चे घर से बाहर ही नहीं जाते, झगड़े की तो बात छोड़ो, आप किसी से भी पूछ लो आप कॉलोनी में, के बच्चे घर से बाहर जाते ही नहीं। बस अड्डे कह रहे हैं आप, बस अड्डे किसको छोड़ने के लिए गए थे आपके बेटे? जो राजेश कुमार है उसका दोस्त मिला था। अच्छा। जिम से बाहर निकल के कि मेरे को भाई बस अड्डे तक छोड़ देना, मेरे को जवाहर कॉलोनी जन कौन सी कॉलोनी जाना है, तो उसे छोड़ने के लिए जा ही रहे थे। अच्छा, छोड़ते भी नहीं, छोड़ के भी नहीं आ पाए। अच्छा, कितने लड़के थे जी जिन्होंने मारा इन बच्चों? पहले तो वो 3 थे जी जिन्होंने करी, फिर वे भग गए, मतलब मेरे ने भी जान बचा ली, उसने भी बचा ली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो बाइक छोड़ गए, मेरा लड़का भी और किराएदार का भी बाइक छोड़ गए, तो उसके बाद में उन्होंने सोचा अब तो चले गए होंगे, वो बाइक के पास में आए, लेकिन उन्होंने क्या करा, और 10-15 को बुला रखा था डंडा लठिया के साथ में, तो उन्होंने 6-7 मेरे के चिपट रहे थे मंडी में, और 6-7 उसके पीछे गए,
स्कूटियों से और बाइक से वहां मारा है, जेसीबी पे, बिल्कुल मरी हुई हालत में पाया। आप मौके पे पहुंच गए थे? नहीं, मेरे लड़के को तो कोई और लेके आया था। अच्छा। हमें यहाँ दरवाजे पे जब आया जब पता चली, हमें नहीं पता था झगड़ा हुआ है। दोनों के मतलब पैर तोड़ दिए गए? हाँ जी, हाँ जी। उसके पेरेंट्स ने वो वहां से उठाया है, हमारे को कोई लेके कंधन पे आया था, तो हम अपने को तुरंत हॉस्पिटल लेके चले गए। उसके बाद अभी तक मतलब हमें इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि हम कुछ कर सकें। क्या मांग करते हैं पुलिस से? आप पुलिस से मांग करते हैं जिन्होंने ऐसा किया कम से कम उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए। जब एक हॉर्न बजाने के ऊपर एक तो तुम गलती करते हो और ऊपर से तुम निर्दोष बच्चों को पीटते हो, तो ये कहाँ का न्याय? कम से कम न्याय तो मिलना ही चाहिए। तो देख सकते हैं साथियों, एक माँ है बिल्कुल इस अवस्था में है कि वो कुछ कहने के लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी गाथा बता रही है। कहीं ना कहीं उसका बेटा है नितिन और एक किराएदार रहता है ऊपर जिसका नाम राजेश है। लगभग नितिन की उम्र है जो 18 से 19 साल है और राजेश है उसकी उम्र 24 से 25 साल है। देर रात जिम से जा रहे थे दोनों किसी अपने दोस्त को छोड़ने के लिए बल्लभगढ़ बस अड्डे पर। जाते समय ही 3-4 लड़कों के द्वारा उनको बुरी तरह से पीटा गया है। कहीं ना कहीं दोनों का जो पैर है वो फ्रैक्चर हो चुका है और भी कई नुकीली चीजों से उनको पीटा गया है। देख सकते हैं उनकी माँ बता रही है नितिन की, और विष्णु कॉलोनी से हम आपको एक सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन साथियों, हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है, दूसरा पक्ष भी चाहे तो हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात रख सकता है अगर कोई इसमें वो होता है तो। देख सकते हैं विष्णु कॉलोनी से हम आपको एक सीधी तस्वीर दिखा रहे थे। तो तमाम ऐसी अपडेट के लिए बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।